दो माह पूर्व ग्राम छपारा स्थित माता रानी के परिसर में आंधी तूफान से प्राचीन पीपल का पेड़ धराशायी हो गया था, जो मंगलवार की सुबह अचानक खड़ा हो गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग इसे देवी चमत्कार मानकर पूजा अर्चना और परिक्रमा कर दर्शन कर रहे हैं। छपारा सरपंच गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि छपारा में स्थित श्री माता रानी दरबार के परिसर में प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, जो दो माह पूर्व तेज आंधी तूफान में धराशायी हो गया था, जिसे देवस्थल की बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन आजू बाजू वाले किसान सुरक्षित बच गए थे। ग्रामीणों ने धराशायी पीपल की शाखाओं को काट दिया था, केवल पेड़ का तना ही शेष बचा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी वहीद खान बताते हैं कि मंगलवार की सुबह 6:30 बजे तेज आवाज के साथ कुछ ही सेकंडों में पीपल का तना खड़ा हो गया, जिसकी जड़ें जमीन में व्यवस्थित जम गई। मंदिर के समीप बीड़ी बना रही एक मुस्लिम महिला ने बताया कि देवस्थल के पास कुछ सेकंड के लिए तेज हवा चली और पीपल का पेड़ खड़ा हो गया, जिसके बाद हवा अचानक बंद हो गई, जिसको देखकर लोग अचंभित हो गए। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। आपने क्या देखा? मैंने ये देखा, हवा तूफान में पीपल का पेड़ बहुत पुराना था, वो अचानक हवा में गिर गया 2 महीने पहले, और आज सुबह 6:30 बजे अचानक खुद ब खुद खड़ा हो गया। आपने यहाँ क्या देखा? हमने देखा कि पीपल आपसे आप खड़ा हो गया, कुछ दिन पहले खड़ा था, आंधी तूफान में गिर गया था, और आज 6 बजे खड़ा हो गया आपसे आप कुदरती। कहाँ स्थान है, क्या यहाँ पे स्थान? माता भाई का स्थान है, पुराना स्थान है यहाँ पे, ये पुराना स्थान है ना? पुराना स्थान है, बहुत पुराना स्थान। हाँ, यहाँ बहुत पुराना पेड़ खड़ा था पीपल का, पीपल का पेड़ खड़ा था, वो खड़ गया था, तो वो आपसे आप आज कुदरती खड़ा हो गया। ये आपने खुद देखा है? हाँ, हमने आँख से देखा, हमारे सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल 1 मिनट में, हमने एक बात भी नहीं कर पाई, वो खड़ा हो गया। ग्राम छपारा में दुर्गा जी का मंदिर और दुर्गा जी की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति बहुत पुरानी प्राचीन बहुत समय की है, प्राचीन मंदिर था, और यहाँ पे पीपल का पेड़ जिसे लखा पीपल बोलते हैं, लखा पीपल था, और वो अचानक गिर गया, माने जो उस दिन आंधी और ओले आए उस दिन गिर गया, फिर इसके बाद में ये पीपल आपसे आप खड़ा हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।